पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनको अपने पाकिस्तानी जो भाई इधर रहते हैं उनको अपनी इज्जत का नहीं पता होता अच्छा। कि बाहर जाके हमने कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। सही बात है, सही बात हो गया है। तो ये लोग क्या कहेंगे आपसे, जब भी आप गुजरेंगे उनके बगल से बोलेंगे भैया हिंदी, भैया हिंदी, हिंदी आता भैया, हिंदी आता भैया, ऐसा बोलेंगे। तो अगर कोई बंदा बाई चांस, यहाँ तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग ऑफिस वाले रहते हैं, कोई दया खा के पूछ लिया हाँ भैया बोलिए क्या बात है, तब ये कहते हैं कि सर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, पूरा सब कुछ चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गया, मुझे वापस जाना है, कुछ पैसे चाहिए, ये मेरी फैमिली है, आज खाने को नहीं है, कुछ नहीं, बस। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है, वजह क्या है? भीख मारे यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट में आई थी तो उसकी पॉलिसी जो थी वो वाजपेयी लेके चला था, नरसिम्हा राव लेके चला था, उनकी पॉलिसीज एज इट इज चलती हैं जो उनके लिए होती है। ठीक है, 92 की आप बात कर रहे हैं, ये होता है कि फेस चेंज हो जाती है, तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है, अच्छी बात है। हम किस लिए जी रहे हैं? हाँ। बाहर के मुमालिक को अगर आप देखें यूरोप में, उधर हर बंदे के साथ अपने गोल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा, मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बस घर में हमें कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, और फिर हम ये जेब कतरे बनते हैं लास्ट में। ये जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक फिर वही पाकिस्तानी लोगों के ऊपर ही है, लेकिन ये देखने में बहुत ही मजाकिया लगेगा, बहुत हंसी मजाक का लगेगा, लेकिन ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। ये किस लेवल का स्कैम होता है, सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया भर में हो रहा है, हमारे भारत में भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कैम है ये भिखारियों का स्कैम है, मतलब वो जो पुराने ज़माने में जो पिक्चर वगैरह में जो दिखाते थे वो वाला जो स्कैम है वो नहीं कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो गए बच्चे को लेके नशे की दवाई दे दी और वो भीख मांग रहे, उस टाइप का स्कैम नहीं है। ये जो होता है इसमें आपको क्या किया जाता है कि आपको दिखाया जाता है कि आप सही में मुसीबत में है, मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, एक फैमिली लोग नकली फैमिली बनाते हैं और वो इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत सारे केस में हो सकता है कि बहुत मजबूरी में बहुत लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में और वो होते होंगे उनको ज़रूरतमंद, लेकिन 99% लोग जो होते हैं वो स्कैम में ही होते हैं, पैसे कमाने का एक जरिया होता है। और जो न्यूज़ पे अभी आज डिस्कशन हो रहा है, जो पब्लिक रिएक्शन हो रहा है पाकिस्तानी लोगों का, वो है कि हाल ही फ़िलहाल में यूएई ने फिर से करीब 3000 के ऊपर पाकिस्तानी भिखारियों को लात मार के भगाया है। ये उनके खुद के मीडिया कह रही है कि ये परेशान हो गए, एक टाइप का नासूर हो गया है कि मतलब जहाँ भी पाकिस्तानी जा रहे हैं अपने देश को बदनामी कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा बदनामी नहीं है कि एक समझ रहे हैं कि गली में मोहल्ले में अगर कोई भीख मांग रहा है उसके परिवार के लोगों के ऊपर कितना ये होता है, कितना मतलब बेइज्जती होता है, उनका अपमान होता है, लेकिन ये सोचिए तो पूरे देश का ही अपमान कर रहे हैं, ये क्या लड़ेंगे इंडिया से, क्या कश्मीर लेंगे, साले इनको खुद इनकी परवाह नहीं है, इनका देश का हालत इनको खुद कुछ करने का इनका जो जज्बा है, ये जज्बा इनका दिख रहा है कि कहाँ हो रहा है, घुस रहा है इनका जज्बा। दोस्तों वीडियो को देखिएगा प्लीज़, आप नए हैं, आप सब तो नए ही हैं मेरे चैनल में, नए चैनल में दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही बनाते रहूँ। धन्यवाद। मैडम आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, हम ऑलराउंडर है, सारे जो बस खींचे करो मैं मैडम जेब में सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज और सीधा उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। मैडम ये तो कम है 3000, बात करूंगा, शुक्र है कि 3000 है। हाँ। ये तकरीबन 50-60 हज़ार होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। हाँ। वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख मांगेंगे। 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे, बिल्कुल उनके पास वर्क वीजे भी है लेकिन फिर भी पाकिस्तानी, तो स्किल नहीं है ना पाकिस्तानियों के पास, स्किल भी है लेकिन फिर भी पाकिस्तानी, क्या वजह, क्यों नहीं काम पाकिस्तानियों को, क्यों काम नहीं दे रहे? ये तो हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, ये ब्रदर इस्लामिक मुल्क जरूर है, लेकिन जब तक यहाँ पे धांधली और जब तक ये दूसरा काम चलेगा कैसे, तो 3000 पाकिस्तानियों को एक ही दिन में भीख मांगते पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा और कहीं भी किसी भी कंट्री में पाकिस्तान का कोई भी अफराद दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता।
ब्लैक लिस्ट दुबई में खास करके, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं इंडियन आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छा, मतलब उसकी क्या रीजन है, मतलब मैं पाकिस्तानी और दोस्त मेरे इंडियन बनेंगे? उसकी रीजन ये है कि इंडियन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके साथ स्कैम ड्रामा नहीं करते, ठीक है, बट लॉयल होके चलते हैं। अगर आप कोई दोस्त आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनते नहीं है, ठीक है, अगर बन जाए तो वो बड़े लॉयल दोस्त बनते हैं आपके, मतलब उनमें ये दो नंबरी नहीं है, दो नंबरी नहीं है। छोटे से छोटा भी अगर किसी छोटी जॉब पे भी है ना, हाँ, तो वो भी अपने मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत को प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे हैं। आगे हैं। और सेकंड थिंग ये है कि इंडिया जो है ना वो दुबई में इंडिया का मेरे ख्याल से 70-80% जो है ना बिजनेस में ठीक है। आपने एहसासे आज इंडिया उठा लेना तो दुबई किसी काम का भी। दोस्तों आपने इनका रिएक्शन देखा, ये तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि गलत है, कुछ लोग बोलते हैं ये मजबूरी है, भीख मांगना मजबूरी है। अरे किस टाइप की मजबूरी है, तुम अपने अपने आम निवासियों को देशवासियों को तुमने कुछ सुविधा दी नहीं है, तो ये आप मजबूरी मत बोलो, ये है आपकी नाकामी। आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप लोग जो दुनिया भर में जो भीख मांग रहे हो, एक बंदे ने सही कहा है कि दुनिया में जितने 200 के ऊपर देश हैं उनमें से तो आधे देशों में आप पाकिस्तानी भीख मांग रहे हो, वो लोग खुद परेशान हैं, ना भेजने से भागते हैं ना इनको क्या कर वीज़ा बैन कर रहे हैं फिर भी कैसे पहुँच जा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताना आपका ध्यान आकर्षित करूँ, मैं तो यहाँ बेंगलोर में रहता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं इस टाइप की सिचुएशन देख रहा हूँ कि ये जो भीख मांगने वाला जो स्कैम है ना, ये कैसा होता है, यहाँ जो हर जो मेट्रो स्टेशन होता है ना, वहाँ इन्होंने कुछ कुछ मेट्रो स्टेशन के बाद, लगे 4-5 मेट्रो स्टेशन के बाद जो मेन मेट्रो स्टेशन होता है जहाँ पे भीड़ हर वक्त ज़्यादा रहती है, ऑफिस जाने के टाइम में, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, दोपहर को उतनी भीड़ नहीं रहती है मेट्रो वगैरह में, लेकिन जो की टाइम है, तो ये क्या करते हैं, ये एक ग्रुप बना लेते हैं कि माँ है, बेटा है, भाभी है, बच्चे हैं, बहू है, मतलब 5-6 लोग तो मिनिमम रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे गोद में भी रहेंगे, दो छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे भी रहेंगे, और इनके पास बैग वगैरह रहेगा और ये सजे धजे रहेंगे और बहुत ही चेहरा इनका उदास रहेगा। ये भिखारियों का एक ग्रुप बना लेते हैं और ये क्या कहेंगे आपसे, अब जैसे बेंगलोर साउथ इंडिया में हो गया है तो ये लोग क्या कहेंगे आपसे, जब भी आप गुजरेंगे उनके बगल से बोलेंगे भैया हिंदी आता भैया, ऐसा बोलेंगे। तो अगर कोई बंदा बाई चांस, यहाँ तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग ऑफिस वाले रहते हैं, कोई दया खा के पूछ लिया, हाँ भैया बोलिए क्या बात है, तब ये कहते हैं कि सर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, पूरा सब कुछ चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गया, मुझे वापस जाना है, कुछ पैसे चाहिए, ये मेरी फैमिली है, आज खाने को नहीं है, कुछ नहीं, बस। ये बिल्कुल दोस्तों इसमें नहीं फंसिएगा, आपके साथ भी अगर कोई ग्रुप ऐसा मिल रहा है आपको, आप उनका शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ एक दो केस वैलिड हो जिनको सही में मुसीबत में, सही में ट्रेन से जा रहे हो, पैसे चोरी हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगा, लेकिन ज़्यादातर तो सभी लोग, लेकिन दोस्तों ये एक स्कैम है और ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन कर रहे हैं, मैं किसी नॉर्थ इंडियन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये हो रहा, मैंने ये नॉर्थ में नहीं देखा ये चीज़ कि कोई साउथ इंडियन जाके ग्रुप बना के वहाँ भीख मांग रहा है या फिर ऐसा स्कैम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत चल रहा है। मैं बेंगलुरु केस कर रहा हूँ, हैदराबाद चेन्नई वगैरह की मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को, आप अपने भाई को मदद कीजिए। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और मैं बनाते रहूं और कुछ फैक्ट्स वगैरह मैं जोड़ते रहूं इसमें। और जय हिंद, वंदे मातरम।